अस्सलाम वालेकुम जी, ये उसामा भाई है जी, हमारे फैसलाबाद के बहुत ही मशहूर ट्रेनर है और टिकटॉकर है। ये अपने लड़के के साथ उनकी ऑलिंग कर रहे हैं जी फिलहाल, ये देखिए जल गई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल उसामा भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। भाई का क्या नाम है जी? जी भाई का नाम है वैस गुजर। वैस गुजर, इन्होंने कहां से ट्रेनिंग ली है जी? इन्होंने जी, इन्होंने हमारे साथ ही ट्रेनिंग ली है हमारी जिम में। ठीक हो गया जी। कौन सी कैटेगरी में खेले हैं जी? ये मेंस लीग की सेकंड कैटेगरी है, जो 5 फुट 8 इंच से ऊपर होती है। 5 फुट 8 इंच से ऊपर, ठीक हो गया जी। इनके साथ कौन आए हैं जी? आपके साथ और कौन मेंबर्स आए हैं? हमारे साथ हमारी ये बड़े भाई हैं, शादमान भाई। ठीक, उनको जो जेल कर रहे हैं वो हमारे सेंटर वाले भाई हैं। ठीक हो गया, हम सबसे छोटे हैं। इन भाई का क्या नाम है दूसरे भाई का? ये एसन भाई हैं, जेल कर रहे हैं। ये कौन सी कैटेगरी में खेल रहे हैं? ये नहीं खेल रहे, ये सिर्फ जेल कर रहे हैं। नहीं, ये तो भाई भाई ये पहली कैटेगरी में खेल रहे हैं, इनकी 5 फुट 8 इंच से कम है। ठीक है, डाइट इन्होंने किया। ठीक हो गया जी। जी बहुत शुक्रिया। क्या होता है भला? सुंदर रसूल ये खा रहे होते हैं ताकि इन्हें ज्यादा क्रेविंग्स ना हो, एनर्जी इनकी डाउन ना हो, ऑयलिंग हो रही इनकी। हाँ जी, एनर्जी डाउन है ना उस वजह से। पट्टी तो चाकलेट पई होनी है, काट के देख। डाइट की होती है ना, इसलिए डाइट में बहुत मसला बनता भाई। जोर भी ठीक है, तो चाकलेट मरने वाला हो जाता है बंदा यार, इसलिए फिर बोला नहीं जाता। हमने तो की नहीं, फील हो रहा है, फील हो रहा है बहुत बहुत भाई। हमें तो फील हो रहा है, हमने नाटक ही खाई है। पट्टी ज्यादा फोन कर दिया अपने फोन पे। अपना कौन सा ऑयल निकाल रहा है? बेबी ऑयल है, डबल लाल फाड़ के चमक के लिए होता है। चमक के लिए होता है, चमक के लिए। हाँ ऑयल लाओ इधर। जेल पहले हाथ से लगा ली सारी, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ला रही है, देखिए और डबल भी लेके आए हैं। अनु पूछ मैं दस दी किथे आना। अच्छा थोड़ा गांव काट लेना, नहीं ठीक है बाद में फिर से ले हो जाएगा। लसाल स्कूल है, डी ग्राउंड। लसाल 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 नाम दस भाई, नाम दस। अवैस गुजर सेकंड क्लास जे श्रीक दी दूसरी का। अवैस शालमान दे चॉकलेट दे खजूर दे। लेडीज के साथ ही वैस भाई के दोनों स्टूडेंट वैस भाई और शादमान भाई की बॉडी की जेल और ऑयलिंग कम्प्लीट हो गई है और ये अपनी बॉडी को पंप कर रहे हैं और अभी हमारी ऑडियंस को प्री पोजिंग करके दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कंडीशन में है। बस ये आपका फेवरेट पोज है, इनकी डी ऑयलिंग कम्प्लीट हो गई है, बॉडी को पंप किया है इन्होंने काफी ज्यादा। अब ये दोबारा बैक की पोजिंग चेक करेंगे इनकी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त। इनकी जेल वगैरह कंप्लीट हो गई है सारी, ये अंदर जाने के स्टेज पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनकी जोनसी शाइनिंग वाला शाइनिंग, इनकी बॉडी की शाइनिंग के लिए उनसा जॉनसन्स बेबी ऑयल होता है वो भी इनको लग गया है। ये अपनी बॉडी को अब पंप कर रहे हैं जी ताकि इनकी जोनसी वो स्टेमिना वो बरकरार रहे और स्टेज पर अपनी फिजिक की परफॉर्मेंस का 100% दे सके। कुछ चॉकलेट, कौन सी चॉकलेट खा रहे हैं जी? डेरी मिल्क खा रहे हैं जी। माशाल्लाह वैस गुजर भाई बिल्कुल तैयार हैं स्टेज पे जाने के लिए और स्टेज पे जाने के बाद इन्हें ऐसा सरप्राइज मिला कि आप सोच भी नहीं सकते। ਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੋਂ ਵੈਸਾ ਹੋਏਗਾ।
आप लोग क्या नहीं है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने, जिसको इतराज है और आप लोगों में से सिर्फ एक बंदा जजिस के पास चला जाए, उन्हें जाके बात बताए, अगर वो कहेंगे दोबारा तो नहीं बोल जाएंगे कोई सुनी भाई, क्योंकि आप लोगों को पॉइंट भी बता दिए जाए। बहुत शुक्रिया।